गाइस, तो मैं आपका कृष्ण एफएफ और हमारे कैमरामैन अवतार नेगी। तो आज जो कि दरुण कहता है कि कल महाशिवरात्रि है, तो आज दरुण कहता है, तो आज हमारे यहाँ पे सामग्री बन रही है। तो अभी हम जाएंगे दादी के यहाँ, थोड़ा वहाँ भी देखेंगे क्या बनाया है, तो वहाँ भी थोड़ा खा के आएंगे। और ये हमारे पीछे का नजारा, और अभी कोई कल्पेश्वर जाते हैं, कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कल्पेश्वर है, जो कि पांचवा केदार कहा जाता है। और हम तो कल्पेश्वर जाएंगे नहीं, तो हम जाएंगे अपने मंदिर नागपाणी में, जो कि अभी नहीं दिखेगा, अभी ऊपर में से दिखाएंगे आपको। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना बोले, कृष्णा सिंह एफएफ है हमारा नाम, और कैमरामैन बाबा टाइगर को भी ना भूलें करना। तो बने रहे हमारे साथ, ओके गाइस, बने रहे हमारे साथ। हाँ, मिलते हैं आपसे दिन आने के वहाँ, ठीक है। आपको पता होगा कि कल शिवरात्रि है, तो अभी से तैयारी होगी। आज कहते हैं कि शिवरात्रि के पहले दिन दरुण माना जाता है, और हमारी भाषा में आज दरुण और कल व्रत कहा जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं यहाँ पे शिमला मिर्च काट रही हूँ शाम को सब्जी के लिए, और मामी जी पकौड़ी की सामग्री इकट्ठा कर रही है। वहाँ पे हमारे कृष्णा भाई बैठ रखे है। हेलो गाइस, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, मेरे को कृष्णा एफएफ आईडी है, और कैमरा मैन हमारे अवतार ने, इनको भी फॉलो कर देना, बाबा टाइगर के नाम से इन्होंने इंस्टा अकाउंट खोला है। और ये हमारी पकौड़े की आलू है, इधर लंबे, ये पल्ला जो खोला के सबसे लंबे चौड़े आलू कहा जाता है इन्हें। पल्ला जो खोला आलू के लिए काफी फेमस है, और मैं जो खोला कहूँ हमारा गाँव भी बहुत ज्यादा फेमस है। आपको दिखाएंगे नागपाणी, और हमारे कैमरा मैन तो कल्पेश्वर जा रही कहाँ से दिखाएं। मैं हेलो गाइस, तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट देखना, मैं वहाँ पे आपको नागपाणी का पूरा नजारा दिखा दूंगा। और कृष्णा एफएफ को फॉलो करना ना भूले, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को। हेलो गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं दादी के यहाँ, और ये अभी देखते हैं क्या बन रहा है। प्रणाम दादाजी, प्रणाम। और ये यहाँ पे सूजी बन रही है दादी जी की, तो ये हमारी ग्रैंड मदर है, और देखते हैं हलवा जैसा बना रही है इसको। और ये हमारी बुआ जी और दादा, तो ये ग्रैंड फादर। हेलो दगड़ियों, तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जो कि आपको पता होगा कि महाशिवरात्रि है, तो मैं अभी उठ रहा हूँ, तो सबका व्रत है, लेकिन मुझे व्रत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे व्रत रखने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस घूमने में इंटरेस्ट है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ घूमने फिरने। तो हमारे आज मम्मी भी शायद कल्पेश्वर जा रही है, तो अभी मम्मी से जाने कल्पेश्वर क्या होता है। ये अभी दाल, दिन के लिए दाल रख दी है, ये दिन में दिन में जो खाना खाएगा जिसका व्रत नहीं होगा उसके लिए ये दाल रखी हुई है। शायद आज कृष्ण भोजन बनाएगा और यही खाएगा। हम तो जा रहे सभी इधर उधर, कहीं कोई कल्पेश्वर जा रहा, तो कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, जहाँ जहाँ महादेव के टेम्पल है वहाँ वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। हम तो गाय के साथ, और ये जाएंगे गाय के साथ आज। तो इनका है आज गाय का जिम्मा, गोबर इन्हें निकालना है, सब कुछ इन्हें करना है। तो बाकी बने रहे गाइस अंकी के साथ, ठीक है। हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं तैयार हो चुका हूँ। हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो आज मौसम काफी सुनहरा है, काफी सुंदर है, धूप भी लगी है, तो हल्के बादल भी हैं। और इसी के बीच देख सकते हो, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से व्यू इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, अजब यार, औसम यार। ये रोड है और गाड़ी जो सारी निकल चुकी है, बट क्या है कि मिल जाएंगी, क्या बताएं, हम थोड़ा सवारी भी बात है, पैसेंजर तो ज़्यादा हैं, जैसे पैसेंजर आते हैं तो वैसे ही हम निकलते हैं, फिर हम कल की छोड़ती है, ठीक है। बाकी बताएँ,
Yeah.